दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल सेशंस के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड को समझेंगे। वैसे मैंने पहले इससे एक वीडियो बनाया जो इसका पार्ट वन था, और अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो देख लीजिए, आई बटन और साथ ही डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। क्यूरियोसिटी की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम कुछ ऐसे तरीके जानेंगे जो कि प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली ट्रू है, और अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप जो चाहेंगे वो हासिल कर लेंगे। जी हाँ, क्योंकि ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का खेल। दोस्तों इन सबसे पहले एक चीज जो आपके दिल और दिमाग में हमेशा बैठा कर रख कि आपको किसी भी स्थिति में नेगेटिव नहीं सोचना है, तो चलिए इन स्टेप्स को पॉइंट वाइज समझते हैं। दोस्तों आज हम वाटर टेक्निक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वैसे तो ये वाटर टेक्निक कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एग्जाम्पल है जो कि हम डेली प्रैक्टिस ही करते। इसे और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे क्वांटम जंपिंग मैनिफेस्टेशन, टू डायमेंशन मैनिफेस्टेशन और साथ ही टू कप मेथड के रूप में भी जाना। एक्चुअली में ये बहुत ही कॉमन टेक्निक है, जाने अनजाने में इस टेक्निक का इस्तेमाल हर कोई और हर रोज करता है, लेकिन सबको सही तरीका मालूम नहीं होता। और आप कितने लकी हैं कि जो इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका आज आप जानेंगे, इजंट इट। लेकिन सबसे पहले थोड़ा इसके साइंस को भी समझ लीजिए। जापान के एक साइंटिस्ट मसारू इमोटो ने वाटर मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर की काफ़ी बारीकी से स्टडी की, जिसके लिए उन्होंने दुनिया भर के पानी के सैंपल को इकट्ठा किया और उसे बर्फ में जमाने के बाद उसकी स्टडी की। तो ये पाया कि साफ पानी के मॉलिक्यूल्स रेगुलर ऑर्डर में थे, वहीं गंदे पानी के मॉलिक्यूल्स इरेगुलर थे, यानी कि अव्यवस्थित थे। गए तो दरअसल इससे ये पता चला कि वाटर मॉलिक्यूल्स दो डिफरेंट इमोशनल स्टेट में बदल जाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, वाटर मॉलिक्यूल्स और इमोशनल स्टेट। आपके मन में सवाल जरूर आया होगा, आगे इसको इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों इससे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बदल जाता है। ये सब कुछ ट्रिगर होता है हमारी थॉट्स के थ्रू। इस रिसर्च में उन्होंने पाया कि जिस पानी को हम पीते हैं और इस्तेमाल करते हैं उसमें मेमोरी होती है, यानी कि याददाश्त होती है, कहें तो याद रखने की क्षमता होती है। तो आइए अब जानते हैं इस टेक्निक को इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले आप जब भी पानी पिए तो थोड़ा स्थिर हो जाएं, यानी शांत हो जाएं, थोड़ा सा स्टेबल हो जाएं। उसके बाद आप पानी से भरे ग्लास को आगे करें और बोलिए मेरे साथ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। बाकी इसमें आप जो चाहें वो अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। याद रहे, कोई नेगेटिव थॉट बिल्कुल नहीं ऐड करना है। इसी टेक्निक को आप दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। रात को सोने से पहले एक ग्लास पानी लीजिए और एक कागज पर अपनी इच्छाओं को लिखकर उस पर चिपका दीजिए, और सुबह उठकर आप विजुलाइज करना है कि आपकी विशेष पूरी हो रही हैं जो आपने उस कागज पर लिखी, और उस पानी की एक बूंद भी गिराए बिना उसे पी जाइए। गलती से गिर जाए तो कोई बात। दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना, और ऐसे ही और वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक कर दीजिए। इससे ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए मैं मोटिवेट होऊंगा और ऐसे ही और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप चाहें तो कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। इससे पहले अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो देख लीजिए, और अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, वंदे भारत।